हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क। हमने अज्यूम कर लिया है हमें 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालनी है। हमने मोर्टार थिकनेस माना है 10 mm, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 0.01 मीटर। हमारे ब्रिक की साइज होती है 9x4x3 इंच। ब्रिक साइज को हमने विदाउट मोर्टार मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, हमारा 0.230x0.115x0.075 m³। जब हम इन तीनों को इंटू करते हैं तो हमारा आता है ईच ब्रिक वॉल्यूम विदाउट मोर्टार, जो कि है 0.0019 8395 m³। फिर हमारा ब्रिक साइज विद मोर्टार है 0.240x0.125x0.085 m³। जब हम इन तीनों को इंटू करते हैं तो हमारा आता है ईच ब्रिक वॉल्यूम विथ मोर्टार, जो है 0.00255 m³। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय ईच ब्रिक वॉल्यूम विथ मोर्टार। इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा आता है 392, नंबर ऑफ ब्रिक 392 लगेंगे। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ मोर्टार वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस ब्रिक वॉल्यूम विदाउट मोर्टार इंटू नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, 1 - 0.0019 8395 × 392। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.222 m³। अब हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 1.33 से इंटू कर देना है वेट वॉल्यूम में, तो हमारा आएगा 0.295 m³ ड्राई वॉल्यूम। अब हमने अज्यूम कर लिया है हमारे रेशियो हम यूज कर रहे हैं 1 सीमेंट 4 सैंड का, तो सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.059 m³। सीमेंट को हम वेट में कन्वर्ट करेंगे, सीमेंट को वेट में कन्वर्ट करने के लिए 1440 से इंटू कर देंगे, हमारा वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे हम 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक बैग सीमेंट का वेट 50 होता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारा नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा 1.7 बैग। इसे हम 2 बैग लगभग मान सकते हैं। सैंड क्वांटिटी इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इंटू सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.232 m³। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।